लगा है कमलेश डांडा जी ने काम कराए कि नहीं कराए? मिले जुले जी रामपाल माजरा हमारे लिए कुछ नहीं कराया, जेपी ने बहुत कुछ कर दिया। कमलेश डांडा ने कि मैं काम करे कि नहीं करे? ना जीब लगता कुछ नहीं, कागज कागजा में बाकी सारा भ्रष्टाचार है। बात अच्छी है कमलेश डांडा कलाज के अंदर कुछ नहीं करिया है, जो गरीब आदमी वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर तो अमीर होते जा रहे हैं। कांग्रेस मजबूत है रामपाल है या जेपी है? कांग्रेस मजबूत है दिख लिया से। रामपाल माजरा ही नैलो से आते हैं तो जीतेंगे। और कांग्रेस आगे तो फिर नहीं जीते। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। इस टाइम 2:16 होगी, दोपहर ही थी भाई, मखान ले की बैठ जावा तो सारे मारे भाई जाने थे तो मारे बैठ गया। बैठने का फायदा यू भी है, सारे अलग अलग पार्टी आता है, एक के होंगे तो फिर दूसरी पार्टी ने सोचा अच्छा उस दौरे बैठ के वीडियो बनावा है। कलायत सर्वे करा भाई, कलायत में बैठे हैं इस टाइम। वो पीछे अनाज मंडी है, दिखाइए भाई एक बार अनाज मंडी रहे। वो पीछे अनाज मंडी रही, अच्छी गेहूँ पड़ी है, अच्छा काम चल रहा है। तो कलायत में पूरे हरियाणा की स्ट्रोंग जगह है यार, यहाँ पर इलेक्शन बड़े स्तर पर खींचे भी है। कांग्रेस भाजपा इनेलो तीनों का दबदबा है यहाँ पर। तो एक बड़ी बात यह है, राज्य मंत्री हैं कमलेश डांडा जी भाजपा में यहाँ पर, और कितने गुनाने काम करे इस पर भी बातचीत करांगे, बातचीत नू भी करांगे। कांग्रेस तक कौन आदमी मजबूत हो उसका बातचीत नू भी करांगे कि रामपाल माजरा जी की स्थिति क्या है। तो स्ट्रोंग सीट पे स्ट्रोंग बातें होंगी। हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, पहले भाई साहब तो बता रहे हैं। भाई साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। 2024 के हिसाब से भाजपा कितनी कमजोर या मजबूत है भाई? ऑल ओवर का तो पता नहीं, कलायत में तो मैडम जी की अच्छी रिस्पॉन्स है, अच्छा काम कर रही है, यहाँ से तो उन्हीं की उम्मीद है। काम को उन्होंने करे हैं? हाँ बढ़िया काम करे हैं। ओके, बाकी इन सब की डिबेट नहीं करवाएंगे भाई, सिर्फ पर्सनल राय लेवांगे। डिबेट कराने में भाईचारा खराब हो उसका हटाए, बात कर रहे हैं सबसे। राम राम जी। राम राम जी। के लगा है कमलेश डांडा जी ने काम कराए कि नहीं कराए? मिले जुले जी, मतलब ना ज़्यादा बढ़िया ना ज़्यादा। हाँ तो फिर कमलेश डांडा दोबारा जीत सके? मुश्किल है। फिर किसने जिताओगे? मम तो सही पूछो जे INR जिताऊंगा। अच्छा इन लोग जीतने के चांस है? आम तो जिताऊंगा INR ने, जीतो ना जीतो आप तो जिताओ। हाँ आम जिताऊंगा, दो जब उसकी पैदल यात्रा आवेगी उरे अभय सिंह जी की। एक खास बात और बता दियो आपने, जो लोग कांग्रेस का रुकम मारा नहीं, कांग्रेस का यू है उरक लैता, सिर्फ 2005 में कांग्रेस जीती है बस, ओनली एक जेपी हो रही है। जेपी तो एक निर्दलीय जीता है एक बार 2014 में बस, फिर नहीं जीता। इतिहास रहा है लोग रामपाल माजरा इनेलो से आते हैं तो जीतेंगे। और कांग्रेस आगे तो फिर इनेलो जीते। ये हर टाइप के भगत हैं भाई यहाँ पे। राम राम भाई साहब। राम राम जी। ठीक ठाक? हाँ ठीक ठाक जी। केला गया कमलेश डांडा ने कि मैं काम कराए कि नहीं कराए? भाई साहब अपनी नॉलेज में तो कोई काम नहीं करिया आज तक, कोई काम नहीं। कोई गणया दियो भाई, यू काम है जो कोई वर्कर नहीं करता, नहीं यू काम करिया थी गणया दियो, कुछ नहीं करा। तो फिर के लगे 2024 में भाजपा यारते सीट काट देगी कि नहीं काटेगी? ना ना कोई चांस नहीं है भाजपा। अगर कमलेश डांडा किसी और ने टिकट मिल गई तो कुछ हो भी हो सके, बाकी तो फिर जीतने के चांस है? ना बीजेपी का कोई चांस नहीं है। तो फिर कौन सी पार्टी? कांग्रेस। कांग्रेस तो कौन? कांग्रेस तो जेपी है। वो अगर रामपाल जी आगे तो फिर देखो मौत क्या रहता है, कंफ्यूजन है फिर। हाँ कंफ्यूजन है। कमलेश डांडा ने कि मैं काम करे कि नहीं करे? ना अजीब लगता कुछ नहीं, कागज कागजा में बाकी सारा भ्रष्टाचार है। क्या कुछ भ्रष्टाचार है? ना तो कोई सड़क है ना कोई सड़क है, कोई भी सड़क लोकल सड़क में भी जो आप सारी टूटी पड़ी हैं, या लाइन से आगे चले जाओ एक भी, हाँ आप चले जाइए देख लियो सड़कों का क्या हाल है। भाजपा ने तो हमने तो कम से कम सड़क तो बनवाई है। कुछ भी नहीं, सड़क है जी वो नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, लेकिन लोकल सड़क, हाँ लोकल सड़क नहीं है एक भी, सब फूटी पड़ी हैं, टूटी पड़ी। तो कौन सी पार्टी जीत सके? जेपी जीतेगा जी कांग्रेस से बस, और नहीं कांग्रेस से। जेपी मजबूत है कांग्रेस मजबूत है? जेपी मजबूत है जी, कांग्रेस मजबूत नहीं है। शुक्र है सही दुकान पे बैठे हैं। राम राम जी। राम राम। और ठीक ठाक? ठीक ठाक। कौन जीत सके पूरा देखो भी जुन साहब का। कमलेश डांडा कितनी मजबूत कमजोर है? ये तो कमजोर ही है। कमजोर है हाँ। तो उनके आने के चांस घाट है आपके साथ? ना मुश्किल है। तो कांग्रेस आओगी?
जेपी कांग्रेस और इसमें लोक दल का। हाँ ऐसे नेलो इतनी मजबूत है भाई जो कांग्रेस के लिए टक्कर कर रहे हो? कहूँगा लोक दल के जो वर्कर है नहीं, वो पक्के है, उनके काम बन रहे हैं। कौन से काम? काम बतेरे बन जो पर्चे दे हुए। हाँ ना ना वो भी बतेरे भर्ती करे होंगी। हाँ वही तो कहूँ जो ना भर्ती करे। हाँ हाँ कौन जीत सका? इनेलो जीते जी रे। इनेलो? हाँ जी। इनेलो तो कौन? रामपाल माजरा। रामपाल माजरा। हाँ जी कांग्रेस थी। कांग्रेस? कांग्रेस था कौन? जेपी। जेपी अगर रामपाल आ गया तो कांग्रेस का? जेपी जीतेगा जी ना, वो कांग्रेस से रामपाल आ गया तो रामपाल जीतेगा। मतलब आपके हिसाब से कांग्रेस मजबूत है, रामपाल है या जेपी है? कांग्रेस मजबूत है जी के लिहाज से। कांग्रेस मजबूत है। तो भाई यो सर्वे लेकर चलांगे पूरे जो 5-7 बड़े गांव हैं कलायत हल्के के, और वहां पे अलग अलग लोगों की अलग अलग राय लेवांगे। फिलहाल अगर भाजपा से, क्योंकि कांग्रेस में तो ये दो व्यक्ति हैं, वैसे तो 100 जने हैं टिकट लेनी है, कांग्रेस से तो ये दो ही व्यक्तियों का जिक्र चल रहा है पूरे हरियाणा में। भाजपा से अगर बात करें तो एक विनोद जी हैं जो मेरे ख्याल से प्रॉपर कलायत से ही हैं, या फिर कमलेश डांडा जी हैं। अब जनता किसने चुनेगी देखेंगे। तो भाई भाई कलायत में मेन रोड पर यहाँ, और ये हमारे दो चार भाई बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे बतला लिया कलायत की राजनीति के बारे में। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा के लगा कमलेश डांडा ने कि मैं काम करे है कि नहीं आपके हल्के में? मारे कुछ नहीं करे किसी ने भी ना करता कोई, जितने मेले बड़े हैं कुछ नहीं तो काम है जी। राशन कट रही है, गरीब आदमी है तो काम कटता होते हैं। बेरोजगारी तंग कर रखे हैं तो कर देती वो हैं भाई। एक बात अच्छी है, कमलेश डांडा कलायत के अंदर कुछ नहीं करिया है। जो गरीब आदमी वो गरीब होते जा रहे हैं, जो अमीर अमीर होते जा रहे हैं। जहाँ कोई काम करना वहाँ कोई सुव्यवस्था नहीं दे रही है, जहाँ नहीं करना वहाँ दे रही है। दो चार जगह ऐसी जहाँ पे काम बहुत अच्छी कलायत के अंदर उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत है। सबसे मेन दिक्कत हमारी ये है कि जो गौ माता बाहर फिर रही है ना, इनके लिए ना तो रहने के लिए व्यवस्था है, ना इनके लिए पानी के लिए कोई तालाब है। सबसे मेन दिक्कत तो यही है गौ माता की है, जो हमारे देश के अंदर मान जाती है गौ माता मान जाती है। तो भाजपा कांग्रेस में अगर कांग्रेस के जीतने के असर कितने हैं? वो तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते फिलहाल तो, कांग्रेस के विषय कांग्रेस का भी कुछ नहीं। इन लोग अकेले हैं, इन लोग आने के बाद पता लगा इन लोग अभी क्या होगा क्या ना होगा। 10 साल से तो देखिए 2024 में कौन जीत सका है, कांग्रेस इन लोग भाजपा या आम आदमी पार्टी भी, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो टाइम ही बताएगा। ऐसे में कोई कन्फर्म नहीं है। कुछ नहीं कह सकते जी, अभी कोई जनाधार नहीं है किसी भी पार्टी का यहाँ पर। अभी इलेक्शन ही बारी होगी, जो इलेक्शन में आएंगे उस टाइम पे देखेंगे भाई कौन आ रहा है, किसी तरफ से आ रहा है, उसी हिसाब में जो बातचीत करेगा व्यवस्था होगी, जब भी बता सका। इसके बारे में अब तक कोई कुछ नहीं ना तो बता सकते, कांग्रेस एक तरफा है, इनेलो है या भाजपा है? कोई एक तरफा कोई नहीं है फिलहाल कलायत के अंदर। अच्छा जेपी का जब नाम आवा है या रामपाल माजरा, इन दोनों में तो एक आदमी मजबूत कौन सा है? कोई मजबूत नहीं है, सब राजनीतिक के तौर पर मजबूत है। जयप्रकाश जेपी मजबूत है। रामपाल माजरा हमारे लिए कुछ नहीं करे, जेपी ने बहुत कुछ कर दिया। जेपी ने बहुत कुछ करा। हाँ क्या कहना भाई साहब? मजबूत नहीं कौन सा भाई, सब अपने अपने पेट पर हुए सब, हर एक इंसान इसके अंदर ना। कांग्रेस जब यारा एक बार आई है मेरे ख्याल से गीता बुकल जी के टाइम पे, या कांग्रेस ने कदम काम किया? वो इनके पता है कि मेरे से बड़े हैं। गीता बुकल ने भी नहीं कुछ करा। अच्छा कुछ नहीं करा गीता बुकल ने, करा नहीं उड्डन ने, करा कुछ नहीं करा, नहीं करता कोई भी कुछ। तो सारी पार्टियां तो नाराज दिखो, हमारे राज नाराज है, सबसे नाराज तो हर एक बंदर नाराज है जी। गरीब मनसा कोई काम नहीं करते नाराज तो होंगे, और किसी पार्टी ने नहीं करा, किसी पार्टी ने करती कोई भी। गीता में किलो जदर लेगी सारे सौदा ठाक है। चलो भाई फिलहाल तो यड़ेगा सर्वे नु है, भाजपा से भी नाराज है, कांग्रेस से भी है, इनेलो से भी है। देखो भाई आगे आने वाला टाइम क्यों कहूँगा। धन्यवाद।